हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है, आज सैटरडे का दिन है और आप सभी को मैं हैप्पी साझे की बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारा अखरोट का साझा है, जो कि मैंने पिछले कल भी बताया आपको। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी हम नए वगैरह कुछ नहीं है, अभी हम फिलहाल सो के ही उठे हैं। टाइम हो चुका है 7:30 हो चुके हैं और अभी मैं शर्ट में प्रेस कर रहा हूँ और फिर हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से, शॉप निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है हमारी पाची भी पढ़ने वाली है, जो कि खड़ी लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहा जाता है, जो हमारे गणेश भगवान, जो मांदड़ा कहा जाता है हमारे बाहर, उसके लिए पाची पढ़ने वाली है। तो अभी हम फिलहाल प्रेस कर लेते हैं, फिर नहा धो के आप थोड़ी देर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फ्रेश होने के बाद। फाइनली दोस्तों, हम जो है नहा धो के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। अभी हमने बस खाना खाना है, आज खाने में भी बहुत अच्छे अच्छे मम्मी खाना बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी जो कि मम्मी क्या क्या बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेकअप का सामान ही है अंजू का, कितना सारा है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमने लिया है अभी पीछे, ये पड़ा है पूरा सेट 4,500 का, और ये वाला जो सेट पड़ा है ये पड़ा है 6,500 का। मतलब पूरा लग्जरी है लिया हुआ, पूरा सेट है लिया, मतलब ड्रायर से लेकर सारा कुछ, स्ट्रेटनर से लेकर। मैं बता देता हूँ आपको जो आज खाने को बन रहा है। तो ये देख सकते हैं आप क्या बन रहा है, कि जब बुलावा तले ये बन रहे हैं बोड़े, जो सुबह बनाए हैं मास के अंदर मम्मी ने, और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से बॉडी बोलते हैं इसके लिए, जो हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में कहा जाता है। और बन रहे हैं कुछ कड़ी बन रही है, और बाहर का ये सुबह का व्यू मॉर्निंग का। तो आप सभी को मेरी ओर से जो बधाई एक बार फिर से साझे की। तो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से, शॉप जाने वाले हैं, और फिर हम थोड़ी देर बाद शॉप से आने वाले हैं वापस, क्योंकि वहाँ पे रजत वगैरह हम तीनों आज घर आने वाले हैं ना वापस, आज शॉप भी हम जल्दी से बंद कर लेंगे, तो इसीलिए आज हम इंजॉय करने वाले हैं जो हमारा साझा है। तो अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जो है हमने खाना वगैरह खा लिया है और टाइम हो चुका है आज, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है दिन का, मतलब 11 बज चुके हैं, शॉप के लिए हम लेट हो चुके हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको जो हमारे श्री गणेश भगवान को आज सजाया गया है, जो हमारे यहाँ फाड़ी लैंग्वेज में मांदड़ा कहते हैं उसको, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारे अखरोट है यहाँ पे, जो हमारे मांदड़ा है इसको कहते हैं फाड़ी लैंग्वेज में, और ये जल रखा है गंगा जल, और यहाँ पूजा करी गई थी पहले, क्योंकि अभी हमारा न्यू घर है ना, अभी इसकी स्थापना हुई है, मतलब 5-6 महीने हुए हैं इस घर को बनाए हुए, क्योंकि इसका गृह प्रवेश भी मैंने ही 5-6 महीने पहले किया था अपने हाथों से। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा श्री गणेश भगवान जी है ना, उनकी स्थापना ढंग से की नहीं की गई है, क्योंकि अभी हम जो है एक फिलहाल लकड़ के ऊपर ही, मतलब अपना श्री गणेश भगवान को रख के पूजा करते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जब हमारा थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो हम यहाँ पे जो हमारा श्री गणेश भगवान है उसको यहाँ पे सजा देंगे, मतलब लगा देंगे, सजा तो क्या देंगे, मतलब लगवा देंगे, जो कि हर साझे को हमारे यहाँ पे धूप पट्टी करी जाए, मतलब पूजा करी जाए। तो अभी जो है अखरोट के लिए अभी हम तैयार हो गए, मतलब पूरी तरह फ्रेश हो गया, मतलब अभी जो है मम्मी वगैरह देखो बैक साइड तैयार हो गए बिल्कुल सब। अभी हम इस उस त्यौहार को आपको बताने वाले हैं किस तरह से हमारे त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है पहाड़ी में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्लेट सजाई है इन्होंने यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप, ये ऐसे करके रखी है इन्होंने प्लेट सजा के, मतलब अखरोट वगैरह और द्रुबे, जो पहाड़ी भाषा में कहा जाता है द्रुबे वगैरह रख के। तो दो जो कि कुछ इस प्रकार से रखे गए, अखरोट रखे गए, और हमारा ये जो रखी गई है इसे हमारी लोकल भाषा में द्रुब कहा जाता है, जैसे ये फाड़ी लैंग्वेज में। और इसमें अभी टीका लगवाना, टीका रखना बाकी है अभी, जो कि कुंगू वगैरह रखना है इसमें, फिर हम अखरोट बांटेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं जो हूँ घर से निकल चुका हूँ, और मैं रास्ते में पहुँच चुका हूँ यहीं घर के नीचे वाली साइड, क्योंकि दोस्तों मैं जो हूँ घर में लेट हो चुका था, और घर से शॉप से भी फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि रजत आज शॉप ही नहीं आया है, तो इसलिए मनोज भाई अकेले होंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, और घर में भी थोड़ा लेट हो गए, जो कि मैं आपको अभी दिखा नहीं पाया, जो कि हमारे अखरोट कैसे बांटते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको शाम को दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम पता किस वजह से लेट हो गए, जो मैं अपनी गोल्ड की ये वाली रिंग जो ढूंढ रहा था, ये गुम हो गई थी, ये मुझे मैरिज में दी है, तो ये गुम हो गई थी, तो इसको ढूंढते ढूंढते ना भाई 1 घंटा हो गया था, तो फिर शॉप के लिए भी लेट हो गए थे, और फिर हमें जल्दी जल्दी में आना पड़ा, और फाइनली हमें तो मिली गई ये, क्योंकि भाई 20-25 हज़ार की ली है, कोई छोटी चीज़ होती तो रहने भी देता, बड़ी चीज़ है इसलिए। तो यहाँ से अब हम मंदिर के पास मिलेंगे आपके साथ, जो कि हमारे भोलेनाथ जी है,
तो अभी हम पहुंचे हैं, आप देख ही सकते हो, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो हम कहाँ पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था, जो कि मैं परसों भी बता रहा था आपको, हमारे स्कूल ग्राउंड यहाँ पे GSS कसुक के ग्राउंड में हमारे CM आने वाले हैं हिमाचल के, भाई श्री जयराम ठाकुर जी, जो यहाँ बैठक होने वाली है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो इन्होंने सेटअप किया है ना भाई, तगड़ा ही सेटअप किया है बंदों ने यहाँ पे, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ ना, आई थिंक सुनने में आ रहा है यहाँ पे कम से कम 10-15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट हुई है इस टेंट वगैरह लगाने में। इतनी इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह कर देना हॉस्पिटल वगैरह में, अच्छी बात होती है भाई सरकार के लिए। तो चलो हम तो क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में, ये तो सरकार का फैसला है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो एक आम आदमी है भाई। तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ जो पूरा डेकोरेट हो रहा है, सिस्टम कैसे ढंग से हो रहा है यहाँ, खतरनाक ही। इतना अगर पैसा इन्वेस्ट में है जो सरकार थोड़ा और चीज़ों में करती ना, हॉस्पिटल वगैरह में, पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो फिलहाल हम तो क्या ही बोल सकते हैं, हम तो फिलहाल एक आम नागरिक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे जो सेटअप हो रहा है, देख सकते हो मेरे गांव के अपने खास क्लासमेट है भाई, अपना बंदा, कैसे हो आप? ये अपना भाई क्लासमेट है, और ये भी बंदा, कैसे? बढ़िया है, ओके। तो जैसा कि देख ही सकते हैं आप, तो ये है भाई जो आधे करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पे। अभी जैसा बंदों ने कहा ना, आधा करोड़ इस पे इन्वेस्ट हो रहा है, जो हमारा टेंट लग रहा है यहाँ पे, जो आगे वाली मैटे वगैरह बिछी है, जो कि यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है पूरे ढंग से। ये रहा कुछ यहाँ हमारा कसुक का, जो हमारा स्कूल है यहाँ पे, और स्कूल के सामने ये जो फंक्शन होगा कल हमारा, जो मैं आप सभी के बीच दिखाने वाला हूँ, जो हमारे CM आने वाले हैं। और कल पता नहीं कल का तो क्या ही बोल सकते हैं आप, डेकोरेशन देख सकते हो यहाँ, खतरनाक वाली डेकोरेशन हुई है। जो आप पेटियाँ देख सकते हो, म्यूजिक की पेटियाँ, जो हमारा डेकोरेशन का सामान है अभी सेट हो रहा है पूरा यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो भाई। कुर्सियाँ ना हज़ारों की तादाद में लगी गई है यहाँ पे, यहाँ जैसा देख सकते हो हज़ारों के फैन वगैरह भाई, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता ही है भाई, सरकार के पास मोटा ही पैसा है। तो दोस्तों ये रही कुछ तैयारियाँ जो हमारी CM के आने की खुशी में हो रही है। मैं एक तो अभी हम आए हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने थे, आप सभी भी मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हो भोलेनाथ जी के, ये जो शिवलिंग वगैरह रखी है, और ये हमारा मंदिर हो गया पीछे। तो साथ में आप यहाँ लक्कड़ देख सकते हो, ये जब ये पुराना मंदिर मॉडिफाई किया, जो पुराने लक्कड़ यहाँ रखे गए थे, और ये हमारी शिवलिंग वगैरह है यहाँ भोलेनाथ जी के मंदिर के पास। और ये बर्तन देखो कितने बड़े बड़े ले जा रहे हैं बंदे, जो कि मंदिर से जा रहे हैं, मतलब स्कूल के लिए, जो कल खाना बनने वाला है यहाँ वहाँ पे। तो आज हम शॉप भी नहीं गए, तो जैसा कि मैं आपको पहले सुबह बता रहा था, शॉप भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें मुमेर जाना पड़ेगा नीचे अंजू के घर, मतलब ससुराल। तो यहाँ देखो आप, यहाँ से कैसा मस्त व्यू आ रहा है दोस्तों, खतरनाक ही भोलेनाथ, जैसा कि आप हर ब्लॉग पे दिखाते हैं हमारे भोलेनाथ, शान है मतलब मुमेर की। ये तो भाई बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बर्तन जा रहे हैं, मतलब मंदिर से जितने भी बर्तन है हमारे यहाँ से। तो ये आप मंदिर में रश देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा है, और आज हम शॉप भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि रजत जो है शॉप में आ गया, और अब हम जाने वाले हैं स्कूल ग्राउंड, जो कि सेलिब्रेशन करने वाले हैं अपने लंगोटिया यारों के साथ। तभी हम फिर से दोस्तों पहुंच गए स्कूल ग्राउंड के पास, जैसा आप देख सकते हो स्कूल ग्राउंड, ये हमारे बचपन के यार मिल गए, हमें स्कूल मेट भी है बचपन के, लंगोटिया यार भी। अभी जो हम जैसा कि बता रहे थे अखरोट का साझा, अभी अखरोट खेलने वाले हैं यहाँ, अभी जो है इंजॉय लीजिए आप भी आज व्लॉग का। किस में नहीं लगाओ, मारो आप, हाँ इस वाले में मारो, वाह लग गया भाई लग गया। गंद पाता है वहाँ, लाती पाता है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ अखरोट खेलने का। किस वाले में? इस वाले में मारो, अरे परे वाले में। ओ यार गुड शॉट, गुड शॉट भाई, भाई आपको तो मान गए यार, दूजे ही प्लेयर है आप। फिर से गेम स्टार्ट होती हुई तो अब फिर से हो गया 5-6 अखरोट निशानाबाजी लगाने के लिए। किस में मारना है? इसमें, हाँ इसमें मारो, आपने दो निशाने पहले भी मार लिए तगड़े वाले। ओ ये नहीं लगा भाई। अभी जो हम स्कूल ग्राउंड से आ गए हैं, और जैसा कि आपने देखा हमने अखरोट भी खेले अभी, और
हमारे फ्रेंड्स लोग भी मिले, अभी मामा का बेटा दीपक आया है मेरे को छोड़ने घर तक, क्योंकि मुझे फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि दीदी और जीजू आए हैं, तो उनसे मिल लेते हैं, आप उन लोगों को भी मिलवा लेते हैं उन सब लोगों से। हम घर के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम दिखाते हैं आपको खोल कैसे बैठे जाते हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है यहाँ का, और जीजू को भी दिखा देता हूँ आप सभी को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी अखरोट बांटने की तैयारी है, मतलब जैसा आपको पता है ये ग्रीन सूट वाले सामने बैठे ये मेरी दीदी है जैसा कि आपने व्लॉगों पे देखा होगा, और ये मामा की बेटी और मामी जी भी को भी आपने देखा होगा, और ये माता श्री को तो देखा ही होगा। तो मैं देता हूँ आपको चेंज कितने की चाहिए आपको, तो ये थोड़ा चेंज का मसला पड़ा है ना, इनको चेंज चाहिए थी, जो बेबी है ना ये सुबह से वेट करी थी, फिर इसके लिए पैसे चाहिए थे ना, तभी इसलिए इसने अखरोट बांटने हमारे साथ ये सुबह से वेट करी है हमारा सबका, कि दीदी कब आएंगे और भैया कब आएंगे। मैं भी थोड़ा ग्राउंड तक गया था जैसा आपको दिखाया मैंने, तो यहाँ है बारिश हो रही है हमारे कसों के अंदर जो है दिन के 4 बजे, और जैसा आप देख पा रहे हो छींटे पड़ गए हैं बारिश हो ऊपर से जो है, मतलब हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो अब हम बांटने वाले अखरोट, आप सभी भी देखो कि कैसा हमारे यहाँ का ये त्यौहार मनाया जाता है अखरोट का, शहरी का साजा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ के कसोग लैंग्वेज में। और ये जैसा आप देख पा रहे हो बेबी तो रेडी हो गई है बिल्कुल अखरोट बांटने के लिए, सबसे छोटी है, सबसे पहले बारी इसकी है। तो चलो भाई पहली तैयारी किसकी है अखरोट बांटने की बेबी के साथ, तो पहले दीदी उठ गई है और दीदी को पहले चूना लगेगा, कितने रुपये का लगने वाला है पता नहीं। और ये आशीर्वाद लेती है, बहुत अच्छा हमारा ऐसे जो है ये ध्रुव बल लगाई जाती है कानों के पीछे, और अखरोट 3 या 5 लिए जाते हैं और हाथ में लिए जाते हैं और पैर बांध के और आशीर्वाद लिया जाता है। और जैसा कि आप सामने देख ही सकते हो लाइट बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है हमारा यहाँ जो शेर का साजा होता है अखरोट का। और ये अब है जीजू की बारी, अब है तेरे बड़े वाले जीजू की बारी खाली होने की। बड़ा जैसा नोट काटो ना, 200 का नोट निकालो ना, देखो जी अब मम्मी की बारी। बेबी आज करने तूने सारे खाली क्यों, मैं तो तेरे को आज 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, आज देख ले 2007 का 1 रुपए का सिक्का। बुआ बेटा जरा नोट निकालो ना। तो अब बारी आ गई है भाभी की इसकी, नहीं नहीं पैर पूर नहीं बंधने चाहिए बेबी, अभी एक बार लड़कियाँ नहीं पाँव बनती। सही आपने देखा, अभी ये है हमारा जो साजा था अभी अखरोट का साजा, जैसे कि आप रीति रिवाज यहाँ के निभाते हैं, आज से जो है हमारा न्यू साजा जो हमारा मेन महीना लगता है ना, जो हमारा हिंदी के हिसाब से लगता है महीना वो स्टार्ट होता है, वो आज से हुआ, मतलब जो महीने का स्टार्ट होता है, जो इंग्लिश ज़माने के जो हमारे कैलेंडर है वो उनका तो वैसे 1 तारीख से चलता है, पर हमारे जैसे पुराने रीति रिवाज है ना माँ बाप के टाइम के, वो तो आज से ऐसे करके चलते हैं, जैसे आज साजा था आज से नया दिन मतलब नए महीने का शुरू हो गया है। तो फिर बाबा भी रेस्ट करने बैठे हैं 2 मिनट, क्योंकि अभी अखरोट वगैरह खाए हमने थोड़े बहुत। फाइनली दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, 7:30-8 हो चुके हैं, और अभी हमने खाना वगैरह नहीं खाया है, और क्योंकि अभी हमने खाना वगैरह खाना है। और फिलहाल जैसा कि मैंने आज आपको इस ब्लॉग में दिखाया कि जो हमारा साजा था आज कैसे ढंग से मनाया गया, हमारे किस तरह से मनाते हैं हमारे कसों के अंदर, तो आपके कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको मुमेल शिव मंदिर के पास से जब आते समय हमारे ग्राउंड में फ्रेंड्स लोग मिले हम, और फ्रेंड्स लोग के साथ हमने अखरोट खेले, तो भाई आज उनके साथ खेल के ना जैसे आप देखा कि वहाँ अंकल भी खेल रहे थे हमारे साथ, एक बड़े भाई भी खेल रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब कि बचपन याद आ गया था दोस्तों, जो बचपन में हम खेला करते थे ना ये अखरोट के लिए एक दूसरे के लिए अखरोट जीतने के लिए, तो आज बहुत ही मज़ा आया, मतलब हमने जीतने के लिए तो खेला नहीं बस इंजॉय के लिए खेला। तो मुझे आप सभी बता दें यार दोस्तों आप किस किसने जो है अखरोट खेले है, और इस बार भी किस किसने अखरोट खेले है कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बता दें। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी देर में खाना खाने वाले हैं, बैठ खा देख सकते हैं आप अंजू ऐसे बैठी है फ्री बैठी है क्योंकि ये फ़ोन में कुछ देख रही है, तो मम्मी अभी लेंटर पे गए हैं क्योंकि वो भी अभी थोड़ी देर में नीचे आने वाले हैं क्योंकि अभी हम खाना वगैरह खाने वाले हैं। दोस्तों अब हम थोड़ी देर में खाना खाने वाले हैं, और जैसा कि आप अंजू यहाँ देख सकते हो, हेलो अंजू, तो अभी हम खाना खाने वाले हैं, कितने टाइम में खाने वाले हैं थोड़ी देर में 15-20 मिनट में हम खाना खाने वाले हैं। और दीदी जीजू भी चले गए थे, मतलब 5-1 बजे तक वो चले गए थे क्योंकि अगले दिन संडे था ना, मतलब उनके बच्चे वगैरह घर में अकेले थे तो इसीलिए वो घर जाना पड़ा उनको। तो फिर उसके बाद अब ये हम शूट कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, वैसे मैं खाना खाने के बाद शूट करता हूँ, आज मैं पहले कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मतलब जैसा कि आप देख ही सकते हो।
तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे। तो कल आने वाले हैं सीएम करसोग दौरे में, जैसा कि आपको मैंने बताया भी, तो आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाने वाले हैं जो हमारे सीएम आने वाले हैं करसोग के अंदर, जो हमारा स्कूल ग्राउंड है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे। तो आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आप मिलते हैं आपसे अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आपसे इजाजत लेते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय शंकर सभी को।